Assalamu alaikum, Sadat again here with Sadatology. Today we're going to talk about world post-coronavirus. इस दुनिया में coronavirus जब अपना havoc wreak कर चुका होगा, अपनी तबाही वबाही फैला चुका होगा, उसके बाद हमारा दुनिया जो है हमारी वो किस तरह reshape होगी, उसका क्या अंदाज होगा. इसमें से कुछ हमें फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी हुए होंगे, डेफिनेटली होंगे नुकसान जो हमारे प्यारे हमसे रूठे होंगे या हमारी मुल्क की मीशत को जो नुकसान पहुंचा होगा, दैट इज़ हमारा नुकसान. और इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, आई थिंक जो अब नया नॉट ओनली नया पाकिस्तान बल्कि जो नई दुनिया होगी, इट विल बी वेरी डिफरेंट. इसमें हम देखेंगे, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट ये हो रहा है कि लोग होम ऑफिस से काम करना शुरू कर रहे हैं. द मीटिंग्स आर बीइंग हेल्ड ऑन द वेब पोर्टल पे, पांच छह डिफरेंट ऑफिस मिलके एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिकॉज दे आर कीपिंग देमसेल्फ डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. उसके अलावा स्कूल्स में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है. इस तरह यानी आप ये देखें कि इंटरनेट एंड ऑनलाइन स्टडिंग, डूइंग बिजनेस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन अ फास्ट ट्रैक. आपने अभी देखा होगा कि पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेज़ॉन है, अलीबाबा है और क्या इसका नाम ईबे है, दे हैव बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर सो मेनी इयर्स के इतने साल से कि वो ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन ई कॉमर्स को वो तरक्की दें, और उन्होंने दी है बाहर के मुल्कों में. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क और हमारे जैसे और मुल्कों में इतना वो उसको नहीं पॉपुलर बना सके, बिकॉज ऑफ मे बी हम लोगों की समझ में नहीं आती थी ये बात, या हम इसे अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे थे. लाइक ऑनलाइन लर्निंग, आई मीन वी नेवर थॉट कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि क्लासरूम में पढ़ाई जाती है. बिकॉज देयर इज दिस ग्लिच इन द हेड कि अगर आप उस्ताद के सामने नहीं बैठे तो आपको वो पढ़ाई नहीं मिलेगी. लेकिन आई थिंक पोस्ट कोरोना वायरस हम सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑनलाइन लर्निंग वाकई एक हकीकत है और ये होनी चाहिए. तो मे बी हमारे स्कूल्स जो हैं, जिनका हम इतनी फीस देते हैं, उनके टीचर्स की वजह से, उनके ग्राउंड्स की वजह से, उनकी बाकी चीज़ों की वजह से, वो एक्सपेंसेस कम करके ऑनलाइन लर्निंग को उसके साथ अपने बाकी टीचिंग के साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, और लोगों पर जो उनका इतना वजन दिया हुआ है फीस का और बाकी चीज़ों का, उसको कम करेंगे. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वन एस्पेक्ट. दूसरा एस्पेक्ट आपका ये होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी होगी, बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके होंगे इस कोरोना वायरस के इसके दौरान, स्प्रेड के दौरान, और सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि वाकई ऑनलाइन शॉपिंग इज़ रियलिटी, इट इज़ हियर टू स्टे नाउ. तो हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी और एकदम तेज़ी पकड़ेगी. दूसरा, ड्रोन्स they'll be starting delivering here like in other countries. तो हमारा मुल्क जो है ना एकदम एक डिवेलपिंग नेशन से आहिस्ता आहिस्ता एकदम फास्ट ट्रैक पे आके डिवेलप्ड नेशन की सब में शामिल हो सकता है, अगर हम इसको सीरियसली ये एक्सपेरिमेंट अभी कर लें इस अरसे के दौरान, कि जब हमने अपने आप को एक दूसरे से दूर रखना है तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे. आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड फॉर नॉट इवन कंपनीज, स्कूल्स, बट एवरीबडी एल्स. आई मीन हमें भी आपको अपना टाइम बचाना है, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, अपने स्कूल में बच्चों को इतना, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं है बच्चों का स्कूल्स की एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चों पर, यू कैन हैव मोर कंट्रोल इन द हाउस व्हेन दे आर लर्निंग ऑनलाइन. सो आई मीन देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, और वो उसको इस तरह कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब बिल्कुल हमारा यानी इज हियर टू स्टे, इज artificial intelligence is part of our life right now. आपको यानी जब भी आप देखें, अगर आप सोशल मीडिया पर देखें कि आप फर्स्ट करें क्लिक करते हैं कि जी ट्रिप टू हवाई, तो आपको अगले दो हफ्ते उसकी टिकट के वो आते रहेंगे कि जी हवाई की टिकट इतनी सस्ती है, फ्लां एयरलाइन दे रही है, फ्लां होटल हवाई में बुक करें. तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये सारा जो है, ये इस वक्त कोरोना वायरस के दौरान हम इसके ऊपर सारी जितनी भी एक्सपेरिमेंटेशन है वो हम कर चुके होंगे. And when we come out of it, hopefully we'll come out winners. Thank you.